वेलकम टू स्टार जैस चैनल। टुडेज़ कुकिंग इज़ बिहारी कबाब। इसके लिए आपको चिकन चाहिए, चिकन स्लाइसेस में चाहिए, पतले स्लाइसेस। ये 1 kg है, बोनलेस चिकन है। गरम मसाला पाउडर है 1 tablespoon, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1.5 tablespoon, 1 onion है, 1 teaspoon मस्टर्ड सीड्स हैं, ये 2 onions हैं जो फ्राई किया हुआ है, 1.5 tablespoon भुना हुआ ज़ीरा है, रोस्टेड ज़ीरा, ये 1.5 tablespoon भुना हुआ यानी कि रोस्टेड धनिया सीड्स, 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर, ये 8 to 10 ड्राई रेड चिलीज हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, और हाफ अ कप ऑफ योगर्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड कर लेंगे, इसलिए अब एक जार में अब फ्राइड ऑनियंस ऐड कर लें। नेक्स्ट रेड चिलीज ऐड कर लें, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लें, योगर्ट ऐड कर लें, ऑनियंस, गरम मसाला पाउडर, जीरा, रोस्टेड जीरा, रोस्टेड धनिया, मस्टर्ड सीड्स, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें पानी बिल्कुल ऐड मत करें, ऐसे ही ग्राइंड कर लें, क्योंकि हम जो ऑनियंस दही सब डाला था उसमें ऑलरेडी पानी है, तो इसलिए ऐसे ही ग्राइंड कर लें। और ये सारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट इसमें ऐड कर दें। इसमें ऑयल भी ऐड कर लें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अराउंड 1 tablespoon। अब ये सारा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेशन के लिए रख दें करीब 30 मिनट्स मिनिमम। इसमें आप चाहे तो कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ऐसे ही रखूँगी क्योंकि हमें ऐसे ही पसंद है। आप चाहे तो रेड कलर ऐड कर लें या फिर येलो कलर ऐड कर लें। ये बड़ी मज़ेदार डिश है। अभी ये हम मैरिनेशन के लिए रखते हैं 30 मिनट्स के लिए, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। स्क्वॉश ले लें, स्क्वॉश को पानी में भिगा के रखिएगा। इसके बाद आप एक पीस ले लें। पीस लेने के बाद इसे इस तरह से, ये देखिए ये एक तरफ हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पीस है हम इसे ऐसे ऊपर से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम ऐसे पिंच कर लेंगे इसके अंदर कबाब। पहले ऐसे डालें, फिर इसे फोल्ड कर लें, फिर ऐसे फोल्ड करते रहें, ऐसे लेयर्स बनाओ। ये देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, नीचे की इस तरफ से पिंच करते हुए जाइए, ऐसे फोल्ड करते जाइए, बस हो गया। छोटे पीसेस कट करेंगे तो इस तरह से अटक जाएंगे। यहाँ पे एक पिंच करें, फिर इसे ऊपर की तरफ ऐसे एक पिंच करके ऐसे छोड़ दें। ये बहुत टेस्टी कबाब है, जल्दी बन जाता है। आप ज़रूर बनाइए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पकाने के बाद इसे हम रोल कर लेंगे हाथ पे इसे। सारे बना के रख दीजिए स्टव पे, ये डायरेक्ट पकाइए।
टर्न करते रहिए। बड़े मजे की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे बने जा रहा। अगर आपके पास ग्रिल है घर पे तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रिल, उस पे भी ऐसे कबाब बना सकते हैं। एवरी स्टिक पकने के लिए 7 to 8 मिनट्स लग रहे थे। बहुत मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।